हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। एक और MIUI 11 का नया फीचर जो कि है MIUI 10 बीटा क्लोज चाइना के अंदर देखने को मिला है और हमने इसे आपके लिए बाहर निकाल लिया है, तो अब आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यह है MIUI का सुपर पावर सेविंग मोड। मैंने कल अपनी वीडियो में इसकी बात की थी और आज मुझे इसका एप्लीकेशन देखने को मिल गया, तो मैंने सोचा चलो यार वीडियो बना ही लेते हैं। तो ये जो है इसको इंस्टॉल करना है और क्या क्या फीचर्स है, कैसे काम करता है, ये पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं एक ज़रूरी जानकारी दे दूं कि MIUI से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा चैनल MIUI 11 अपडेट्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे MIUI के अपडेट्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला, आपको जाना है सिक्योरिटी ऐप के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बैटरी का जिस पर 70% लिखा हुआ है, लेफ्ट में सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है इस पर आपको जस्ट टैप करके एंटर कर जाना है। और इस पे एंटर करने के बाद आपको दो ऐप ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक है बैटरी सेवर, दूसरा है अल्ट्रा बैटरी सेवर। अल्ट्रा बैटरी सेवर ये एक नया फीचर है, क्योंकि आपको पता है MIUI 10 में बैटरी की बहुत प्रॉब्लम थी, तो MIUI 11 में इसको जो है फिक्स करने के लिए इन्होंने कुछ नया गिफ्ट हमें दिया है। इसे इंस्टॉल करने के मतलब इनेबल करने के बाद जब तक आप इसे डिसेबल नहीं करते हैं आपका फ़ोन बन जाएगा एकदम 2G फ़ोन, ठीक है, मतलब स्मार्ट डिवाइस बन जाएगा, बोका डिवाइस, बकलोल डिवाइस जो बोल दो, क्योंकि ये जो है कुछ काम का नहीं रहेगा। सिर्फ आप इसमें कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स चेक कर सकते हो, मैसेज चेक कर सकते हो, उसके बाद जो है कि आप कुछ छोटे मोटे जो है एप्लीकेशन जो यूज़ करना चाहें आप एडिशनली ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। ये आपके फ़ोन के वॉलपेपर तक को हटा देगा, ब्राइटनेस तक को हटा देगा, हॉट स्पॉट तक को हटा देगा, लेकिन आप जो चाहो इसमें कस्टमाइज़ करके एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। वाइल्ड ट्रैवलिंग ये बेस्ट एप्लीकेशन है बैटरी सेविंग के लिए, काफ़ी ज़्यादा बैटरी पर बूस्ट मिलेगा आपको, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। मतलब अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जहाँ मेरा फ़ोन 8 घंटे चलने वाला है, वहाँ वो 16 घंटे से ज़्यादा चल जाएगा इसके मदद से। तो यहाँ पर आपको रीसेंट ऐप का भी ऑप्शन हटा दिया गया है, क्योंकि रीसेंट में बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन रहने वाला है नहीं। शटर डाउन करके अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें जो है 4-5 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, मोबाइल डेटा, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, वाइब्रेट, बस। लेकिन आप एडिशनली और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, किस तरह ऐड करना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। पहले देख लेते हैं कि ये सब एक साथ काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसा आप देख सकते हो ये सब एक साथ जो है काम कर रहा है और परफेक्टली यहाँ पर देखने में चल रहा है। और ये देखिए, ये एडिशनल एप्लीकेशन है जिसको आप चाहो तो स्क्रीन पर ला के यूज़ कर सकते हो, बट आपको इनको इनेबल करना होगा। फिलहाल ये सारे के सारे जो है डिसेबल हो गए हैं। ये अपडेट अफसोस की बात है कि सिर्फ और सिर्फ चाइना रोम में अभी काम कर रहा है, ग्लोबल रोम में काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप MIUI के किसी भी चाइना रोम पर हो, किसी भी डिवाइस में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। वैसे हमने स्टेबल अपडेट Note 7, Note 7 Pro, Poco F1, Note 6 Pro पर टेस्ट किया और ये काम नहीं किया, तो बस स्टेबल पे काम नहीं कर रहा है हमने ये मान लिया। लेकिन अगर आप चाइना रोम में हैं या चाइना रोम डाउनलोड करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के ये स्टेबल अपडेट में भी मे बी काम करने लगे, या फिर ये आपको सीधा MIUI 11 के अपडेट में देखने को मिले। MIUI 11 का अपडेट अब ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ये बात तो कन्फर्म है। गाइज, इस वीडियो में बस इतना है, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जैसा कि मैंने बताया MIUI 11 अपडेट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ही आपको सारे के सारे MIUI के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। तो बेल आइकन दबाना मत भूलना, और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।